दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि रूप के थ्रू जो पाइप जाते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। अभी रूफ ड्राइंग के बारे में जानते हैं। रूफ में एक एक पाइप नीचे से आएगा, जो ग्राउंड पे टैंक रखा है उधर से ट्रांसफ़र पंप के थ्रू रूफ टैंक को आएगा। रूफ टैंक से बूस्टर पंप के थ्रू वापस नीचे जाएगा। इधर हमारे सोलर लगे हुए हैं। सोलर में पानी गर्म होके इधर टैंक को जाएगा। टैंक से जो गर्म पानी है, हॉट वाटर है, वो नीचे के फ्लैट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दूसरा एक पाइप है हॉट वाटर रिटर्न। हॉट वाटर रिटर्न रिसर्कुलेटिंग पंप से वापस टैंक में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इधर जो शाफ्ट है उनके थ्रू एक हॉट वाटर जा रहा है और एक हॉट वाटर रिटर्न का पाइप है। तो सभी शाफ्ट में आप ऐसा देख सकते हैं, हॉट वाटर राइजर, हॉट वाटर रिटर्न राइजर, ये सब सभी शाफ्ट के थ्रू सभी फ्लैट में ड्रॉप आएंगे। इसके आगे हम स्कीमेटिक के थ्रू ये पूरा कनेक्शन समझेंगे। ये हमारा फुल बिल्डिंग है। ये हमारा बिल्डिंग का सेक्शन है और इधर से ग्राउंड लेवल है, उधर सिटी लाइन आ रहा है। ये मेन सिटी लाइन है। सिटी लाइन इधर एंट्री करता है। इधर वाल्व लगा हुआ है, गेट वाल्व। इसके थ्रू हम लाइन को क्लोज या ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे जाते हैं तो मेन वाटर मीटर है। दूसरा एक लाइन और अटैच है उसके साथ में, ट्रक फिलिंग लाइन। जो हमारा ट्रक या टैंकर होता है, अगर सिटी लाइन का पानी नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ किसी और रीजन से नहीं आ रहा है, तो टैंकर या ट्रक का जो लाइन होता है उसके थ्रू हम वाटर फिल कर सकते हैं। तो इधर एक ऑप्शन दे देते हैं टैंकर के लिए। ओके, ये दोनों लाइन आगे जाके मिल जाती है और सीधी हमारा जो बेसमेंट में टैंक रखा है, मेन टैंक, उधर ड्रॉप होती है। दूसरी इसी से ब्रांच निकल के फायर के लिए जो सेपरेट टैंक है, फायर टैंक को जाएगी। ये जो एक लाइन जा रही है वो इरिगेशन के लिए जा रही है। इधर इरिगेशन के लिए वाटर टैंक रखा है। इरिगेशन के बारे में भी हम डिटेल में आगे जानेंगे। तो ये हो गया हमारा इरिगेशन और फायर के लिए कनेक्शन। इधर स्टार्ट होता है हमारा बिल्डिंग के लिए, जो मेन वाटर मीटर से आके इधर टैंक में आ रहा है। इधर हमारा ट्रांसफर पंप लगा हुआ है। ट्रांसफर पंप से ये लाइन पंप के थ्रू रूफ को जा रही है। ये हमारा 50 डाया का पाइप रूफ टैंक के लिए जा रहा है। इधर हमारा रूफ टैंक रखा हुआ है। टैंक के आगे बूस्टर पंप लगा हुआ है। बूस्टर पंप से हम ऊपर के जो 3 फ्लोर है उनको कनेक्शन देंगे। यह हमारा बूस्टर पंप से जो लाइन आ रहा है वो है। तो ऊपर का जो ऊपर का हमारा इधर 4th फ्लोर है उसको दिया है कनेक्शन, दूसरा 3rd फ्लोर को, तीसरा 2nd फ्लोर को। नीचे का जो लाइन जा रहा है वो ग्रेविटी के थ्रू उसका प्रेशर रहेगा। तो नीचे की लाइन के लिए पंप का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। कितनी हाइट तक, 10 मीटर जो हाइट होती है, उसके बाद में जो अगर हम थंब रूल को देखेंगे
तो थंब रूल से 10 मीटर के बाद में जो ग्रेविटी की लाइन होती है उसमें अच्छा खासा प्रेशर होता है, तो आगे हमको पंप का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सम टाइम हम यूज़ करते हैं, किसी किसी को ज़्यादा प्रेशर चाहिए पाइप के लिए, वाटर के लिए, तो उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली 10 मीटर हाइट के बाद में 11 मीटर तक आ जाएगा, उसमें बूस्टर पंप का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो हमारा अगर हम इधर 3.2 मीटर हाइट पकड़े एक फ्लोर की, तो यह 10 मीटर के अंदर ही रहता है। उसके बाद में हम ग्रेविटी लाइन स्टार्ट कर देते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कि मीटर के थ्रू फ्लैट में लाइन जाती है, तो इधर हमारा मीटर लगा हुआ है। ऊपर के फ्लोर में 4 फ्लैट्स है तो 4 मीटर लगे हुए हैं। नीचे के इधर आते हैं तो 6 फ्लैट है तो 6 मीटर लगे हुए हैं। सेपरेट सेपरेट फ्लैट को सेपरेट सेपरेट मीटर लगे हुए हैं। वो मीटर से अगर हम एक लाइन पकड़ते हैं, कोल्ड वाटर रूफ से आ रहा है मीटर के थ्रू, इधर आया मीटर के थ्रू फ्लैट में आया। हॉट वाटर डायरेक्ट रूफ से आ रहा है, हॉट वाटर रिटर्न रूफ को जा रहा है। तो इस तरीके से हम सेपरेट सेपरेट फ्लैट को कोल्ड वाटर का कनेक्शन देंगे। अभी हॉट वाटर सप्लाई और रिटर्न पे जाते हैं, तो ये हॉट वाटर सप्लाई और रिटर्न हमारा इधर से रूफ से ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो ये इधर हमारा सोलर टैंक का मेन कनेक्शन आता है। तो स्टार्टिंग सोलर पैनल से करते हैं। ये हमारा सोलर पैनल है। सोलर पैनल जो हमारा रिक्वायरमेंट होती है बिल्डिंग को, घर को, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके कितने पैनल चाहिए वो यूज़ करते हैं। इधर हमको 6 पैनल चाहिए। दूसरा एक पंप है, हॉट वाटर सर्कुलेशन पंप। इस पंप का ये क्या यूज है, जो सोलर हीटिंग टैंक है उससे इसका कनेक्शन है। इधर से पानी रिटर्न करके सोलर पैनल को देगा, सोलर पैनल से वापस टैंक को आएगा। तो इस तरीके से ये सर्कुलेटिंग करेगा, तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। इसके आगे वाला जो पंप है वो रीसर्कुलेशन पंप है। रीसर्कुलेशन पंप जो हॉट वाटर रिटर्न है सभी फ्लैट से कलेक्ट करके इधर सोलर हीटिंग टैंक को देगा। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कुछ किस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट और क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।